देश प्रेम और देश के लिए मर मिटने वालों की कई ऐसी मिसालें हमको देखने को मिलती हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी देश के हित के लिए लगा दी दे दी। ऐसे ही एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं, कुलदीप, जो 28 साल 2 महीने का कारावास भुगतने के बाद अब अपने घर पहुंचे हैं। सीधे उन्हीं से बात करते हैं। कुलदीप जी, सबसे पहले तो जब आप घर पे आए और आप अपने लोगों से मिले 28 साल 2 महीने बाद, तो कुछ और अलग ही भाव रहा होगा जो आपके चेहरे पे भी दिखाई दे रहा है मुझे। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि कैद से निकलना और वो भी लक्ष्य देश की कैद से निकलना सिर्फ ऐसे ही है कि बंद डब्बे में से किसी चीज़ को डब्बा खोल के बाहर निकाल लेना। तो हार्ट, दिल की कंडीशन, दिमाग की कंडीशन क्या है, इसका शब्दों में बयान कर पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन भाई बहनों से मिल कर के जो मेरी परेशानियां हैं, आधी बीमारियां हैं, वो आधी ऑटोमेटिक ख़त्म हो गई हैं। मुझको ईश्वर की कृपा से वो खुशी मिल रही है। आपके हाथ में मुझे राखी दिखाई दे रही है। राखी का तो दिन निकल गया था, लेकिन सिस्टर ने राखियां रखी हुई थी, तो आज वर्षों बाद, 32 साल बाद ये सिस्टर ने राखी बांधी है। तो ये ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उसकी कृपा से आज ये मुमकिन संभव हुआ। जाहिर सी बात है, आप जेल में बंद थे, हमारे देश में भी जेलें हैं और जगहों पर भी जेलें हैं, लेकिन जो हमारे सबसे बड़ा शत्रु देश है पाकिस्तान, और उसकी जेल में आपने इतने साल निकाले, कैसा रहा ये पूरा, मतलब जाहिर सी बात है यातनाओं से भरा रहा होगा, अच्छा तो नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, मैंने तकरीबन जितने भी और दूसरे आए हैं आपके साथी, उनको ये बताया कि जेल अपने आप में एक मुसीबत का घर है, जेल नाम ही जंजाल का है। अगर कोई परेशानी ना होते हुए भी ये परेशानी है कि लॉकअप होना है, ताले में बंद रहना है, छोटी जगह है, कंजेस्टेड है उतना, यानी कि उसमें ज़्यादा लोग नहीं आ सकते हैं, फिर भी ज़्यादा लोग का साथ में रहना, 100 तरीके की टेंशन, सुबह उठना, चाय पानी लो, रोटी लो, अगर नहीं ली तो उसमें प्रॉब्लम, भाई क्यों नहीं ली, मेरा खाना किसने ले लिया है, मैं भूखा रह गया हूँ, अच्छा मुझको भी दो, ये आपस की जो टेंशन्स होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से तो सब कुछ आ रहा है और बहुत अच्छा मिलता है, लेकिन जो वहाँ की अपनी टेंशन्स होती है आपस की, उसमें आदमी बहुत ज़्यादा पजल हो जाता है। तो मतलब आप जैसे बता रहे हो खाना दूसरे खा लेते हैं, तो आपके जैसे और भी लोग थे वहाँ पे? देखिए, बहुत लोग हैं, इस वक्त 28 लोग हैं, उसमें ज़्यादातर एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल? हाँ जी। मतलब कैसे एबनॉर्मल? मतलब जो अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, पागल जिसको कह लें आप। तो जिनको ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना नाम भी नहीं बता सकते आज, लेकिन भारतीय हैं वो। तो भारत सरकार को चाहिए कि देश के लिए जो मर मिट रहा है आज, जिनका पूरा पूरा जीवन बलिदान हो गया है, उनको अपने देश में वापस बुलाए, एटलीस्ट उनका ट्रीटमेंट गवर्नमेंट करके उनको उनके घर भेज देगी, सरकार पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सरकार के खजाने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपने जैसा बताया कि वो एबनॉर्मल हो गए हैं, पागल हो गए हैं, तो क्या उनको इतनी यातनाएं दी गई हैं कि वो पागल हो गए हैं, इस तरह का टॉर्चर किया गया है? जब गिरफ्तार आदमी वहाँ पर होता है तो यही समझा जाता है कि जासूस है, चाहे वो किसी भी गलती से कैसे चला गया हो, तो उस पर टॉर्चर, जब मारपीट होती है तो मारपीट बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से वो पागल हो जाते हैं। तो आप जब जेल में बंद थे तो आपकी पूरी दिनचर्या क्या होती थी? सुबह लॉकअप खुल जाता था, चाय रोटी, चाय नाश्ता ले लिया, उसके बाद थोड़ा अपनी फिजिकल फिटनेस के लिए थोड़ा बहुत काम कर लिया, बैरक का साफ सफाई वगैरह, पत्ते वत्ते को उठा लिए, पानी लगा दिया, गार्डनिंग कर ली, और दोपहर को खाना आ गया, फिर इसी तरह शाम को खाना आ गया। इस दौरान जेल अथॉरिटी ने हमको थोड़ी सी फैसिलिटी दी हुई थी एज ए ह्यूमन बींग्स कि हम अपना मोतियों का काम कर लेते थे, तो ये जेल वालों की और पाकिस्तान गवर्नमेंट को मैं थैंक्स कहता हूँ कि उन्होंने हमको इतनी इजाज़त दी हुई थी, और हम मोतियों काम करके थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, वो उससे हमारा टाइम पास हो जाता था। आपको पता चलता था कि कब दिवाली है, कब होली है, कब क्या, ऐसा कुछ पता चलता? कभी कभी पता चल जाता था और कभी नहीं। अच्छा, कैसे पता चलता था? टीवी वहाँ पर लगे हुए थे। अच्छा अच्छा। तो जब कभी न्यूज़ आती थी या सुन लेते थे तो पता चल जाता था कि अभी होली है या दिवाली है या कोई और फेस्टिवल है। आपने कहा कि जो भी वहाँ पकड़े जाते थे उनको जासूस ही समझा जाता था, तो आप जब गिरफ्तार हुए, आपकी गिरफ्तारी कैसे हुई और आपको क्या समझा गया, किस तरह की पूछताछ हुई, किस तरह का आपका वो?
देखें, हर एक एजेंसी का, हर एक कंट्री का जो इंट्रोगेटिंग सिस्टम है वो एक ही तरह होता है, पकड़ना, मारपीट करना, पूछना कि क्यों है, कैसे है, ये सब कुछ होता था। आप पकड़े कैसे गए और कब, मतलब क्या हुआ था ये? मैं भारत वापस आने के चक्कर में बॉर्डर पर गिरफ्तार हो गया था, क्योंकि मेरे पास रास्ता नहीं था। पहले जब मैं गया था तो तारे नहीं थी, अभी वापस आने लगा था तो तार वहाँ पर लगी हुई थी, तो वापस नहीं आ सकता था, तो अनफॉर्चुनेटली गिरफ्तार हो गया। जैसा कि आपने बताया कि दिन भर आपका अलग अलग शेड्यूल रहा करता था, ये सब चीज़ें हैं, चूंकि आप जब वापस आ रहे थे और आप गिरफ्तार होकर पकड़े गए, तो आपको कोई अप्रोच नहीं हुआ भारत सरकार की ओर से या किसी की तरफ से, या फिर आपके छूटने की प्रक्रिया कैसे चली, आगे कैसे बढ़ी? छूटने की प्रक्रिया सज़ा ख़त्म होने के बाद वो जेल अथॉरिटी खुद होम डिपार्टमेंट को लिख देती है कि भाई इस भारतीय नागरिक की सज़ा ख़त्म हो गई है, उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करते हैं और साथ ही साथ इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं। इंडियन एम्बेसी हमारी पहले हो चुकी, काउंसल एक्सेस हो चुकी थी, तो जैसे ही काउंसल एक्सेस हो इंडियन एम्बेसी को कांटेक्ट करते हैं, वो आगे डेट फिक्स कर लेते हैं और ईश्वर की कृपा से। आपको उम्मीद थी कि आप आ पाएंगे अपने घर, अपने घर वालों के साथ इस तरह से अपने घर में बैठ रहे होंगे, लोगों से बात कर रहे होंगे, ये उम्मीद थी आपको? उम्मीद तो थी, लेकिन कभी कभी टूट जाती थी। क्या वजह थी, कैसे टूट जाती थी, क्या बीमारी? कई प्रकार की बीमारियाँ, टीबी मुझे थी, हेपाटाइटिस मुझे हो गया था, हर्नियों की प्रॉब्लम मुझे हो गई थी और हार्ट की प्रॉब्लम मुझे थी। इस वक्त मेरा ये जो कान है, इससे मैं इस समय बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। अच्छा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कभी लगता था पता नहीं, और 59 एज हो गई है, पता नहीं जिंदा भी रहूँगा कि नहीं, पता नहीं जाना होगा कि नहीं होगा। तो इन सब बीमारियों को लेकर के, लंबे और टाइम समय पीरियड को लेकर के कभी कभी उम्मीद टूट जाती थी। आपको दवाएं मिलती थी इन चीज़ों की? हाँ, वहाँ के डॉक्टर्स वगैरह बहुत अच्छे थे और उनकी मेहरबानी थी कि मुझको हर्नी का ऑपरेशन हुआ। मेरा बाईपास होना था, लेकिन ये जिस्मानी शारीरिक कंडीशन देख करके डॉक्टर्स ने, जो सर्जन्स थे, उन्होंने। एक आखिरी बात आपसे पूछना चाहूँगा, अगर ये जो ज़िंदगी आप जी के आए हो या भुगत के आए हो, क्या ख्याल आता है, एक आखिरी ख्याल क्या आता है कि भगवान ये ज़िंदगी क्या, मतलब क्या सोचते हैं आप? आपके सवाल प्रश्न का जवाब मैं कैसे दूं? मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस्म है, नहीं है, शरीर है, नहीं है, लेकिन हमारा घर है तो हम हैं, जब घर नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे? घर से मतलब है देश। अगर हम अपने घर को नहीं संभालेंगे, हमारे घर पे कोई कब्जा कर लेगा, तोड़ फोड़ देगा, तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो हम जो मैंने जो कुछ सहन किया है, बर्दाश्त किया है, वो अपनी जगह है, लेकिन उसके अंदर भी भावना यही होती थी कि जो मेरा जज्बा है वो दूसरे भी भारतीय नागरिकों का जज्बा हो, गवर्नमेंट हमारे साथ ऐसा कुछ करे, ऐसी हमको हेल्प दे कि ताकि दूसरे लोग भी देश के लिए काम करने पर तैयार हों, उनके अंदर देशभक्ति की भावना पैदा हो। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए कुलदीप जी। तो ये कुलदीप जी थे जिन्हों ये कहना है कि अगर देशभक्ति का जज्बा हमारे अंदर है और ऐसी चीज़ें हमारे अंदर हैं जिसके लिए हम अपनी जान तक कुर्बान कर सकते हैं, तो सामने भी देश का, सरकार का ये फर्ज है कि वो भी इनका ख्याल रखें। कैमरामैन प्रतीश के साथ भूपेंद्र सिंह, News 24 अहमदाबाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।